बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं रमज़ान स्पेशल दही चाट बनाना सिखाऊंगी। आप इसको फर्स्ट इफ्तार में ही बनाइए, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और रोज़ाना इसी चाट की फरमाइश की जाएगी। इजी टू मेक है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 300 ग्राम मैंने दही ले लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबलस्पून सब्ज़ चटनी। सब्ज़ चटनी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो 2 टेबलस्पून इस पर मैं सब्ज़ चटनी डाल दूँगी और अब हम इसको चंगी तरह से फेंटेंगे। फेंटना हमने इस तरह से है कि जो दही और चटनी है ये एक जान हो जाए। तो इजी टू मेक रेसिपी है, रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी देने वाली हूँ आज आपको मैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दही है चंगी तरह से फेंट चुका है। तो अब आपको मैं ऑल ओवर इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, उसके बाद क्वांटिटी के साथ बताऊँगी कितनी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, ये डाल दूँगी मैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 कप उबले हुए चने। उसके बाद 1 कप इसमें जाएगा उबला हुआ लोबिया। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके बाद इसमें एक हम लेमन ऐड करेंगे, क्योंकि हम इमली की चटनी यूज़ नहीं कर रहे, डैट्स वाई हम इसमें एक लेमन यूज़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा एक खट्टा सा टेक्सचर देगा, तो 1 लेमन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, फ्लेक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून काला नमक, उसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे पास जो फेंटा हुआ दही है, ये ऐड कर देंगे। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा बाउल में इसमें दही का ऐड कर दूंगी और अब हम इसको करेंगे मिक्स। इजी टू मेक, सिंपल और बहुत ही चटपटी हमारी जो दही चाट है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चंगी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इसी तरह जो चैनल पे न्यू है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन ऑन कर दे। आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पुदीना काट के डाल दूंगी और इसको भी चंगी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, तो फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। बहुत ही चटपटी सी हमारी जो दही चाट है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।